माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक एलिजिबिलिटी मैटर पर अंतरिम रूप से फैसले के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा है कि सीटेट 2023 जिसकी परीक्षा दिनांक 20 अगस्त 2023 को होने जा रही है, क्या उस परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी बैठ सकते हैं अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ पहले के जो पास बीएड अभ्यर्थी हैं, सीटेट का पेपर प्राइमरी का हो गया या फिर यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बीएड वाले प्राइमरी लेवल यानी पेपर वन को क्वालिफाई किए हैं, क्या वो सर्टिफिकेट उनका भविष्य में वैलिड रहेगा अथवा नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई के द्वारा जब सीटेट 2022 का रिजल्ट घोषित किया गया तो उस रिजल्ट में साफ शब्दों में एक लाइन मेंशन किया गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन द एसएलपी वाइड नंबर 3222 ऑफ 2022 एसएलपी, और ये सभी एसएलपी का जिक्र किया गया है। ये वही स्पेशल रीट पिटीशन है जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, यानी कि आज के फैसले के आधार पर ही अब सीबीएसई बोर्ड जो रिजल्ट था उसको वैलिड करेगी अथवा नहीं करेगी। यानी कि साफ तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीएड अभ्यर्थियों के 2022 का जो सीटेट का रिजल्ट था वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो चुका है, और इसके साथ ही साथ पहले के जितने भी सीटेट के रिजल्ट थे या फिर यूपीटेट के रिजल्ट थे सब कुछ इनवैलिड हो चुके हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सीटेट या फिर यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसका इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी महत्व नहीं है। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जाते हैं तब इसका महत्व होता है। अब चूंकि शिक्षक भर्ती के लिए ही इनवैलिड कर दिया गया है तो आप इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के करेंगे क्या, यानी सीधे तौर पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो सकते बीएड कोर्स के आधार पर, तो फिर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा भी व्यर्थ ही हो चुका है। और आने वाला जो 2023 का सीटेट का परीक्षा है उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल हो ना हो इसके संदर्भ में हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दे, और अगर जारी कर देते तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी करती है तो शामिल होने से कोई खास फायदा नहीं होगा। हालांकि मैं बता दूं कि पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचित भी कर रखा है कि अभी आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे किसी राज्य सरकार ने अगर सिफारिश की है तो अधिकतम 5 साल के लिए नियमों में शिथिलता बरत सकती है। जैसे कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी उस समय 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, उस समय उत्तर प्रदेश में डीएलएड की संख्या कम थी। उसके बाद से 2012 में चुनाव होते हैं विधानसभा के, विधानसभा चुनाव में सरकार बदल जाती है और सपा की सरकार आ जाती है। सपा सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। वो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शिथिलता बरती थी और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जैसे कि आप झारखंड ले लीजिए, जैसे कि आप हरियाणा ले लीजिए, तो यहां पर भविष्य के आने वाली भर्तियों के लिए या तो राज्य सरकार डीएलएड को फिर से अलाउ करे, अपने यहां कोर्स को रन करे, अथवा की कंडीशन में एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द कर दिया है तो अब चूंकि हमारे पास डीएलएड तो रहेंगे नहीं भविष्य में इन राज्यों में, तो उन राज्यों में बीएड को मजबूरी हो गई कि उनको अलाउ किया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती है और केंद्र सरकार अधिकतम 5 साल के लिए शिथिलता बरत सकती है, और इन 5 सालों में जो राज्य सरकार है उसको डीएलएड की संख्या बढ़ाने के लिए भी आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है। तो इन 5 सालों में जब बीएड अलाउ होगा तो बीएड के लिए कम से कम प्राथमिक स्तर का टेट तो क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि अगर आपको मौका दे रही है सीबीएसई 2023 के सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के संदर्भ में तो आप सम्मिलित हो लीजिएगा। क्या पता कि भविष्य में इस प्रकार का कुछ हो जाए कि जैसे झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर हो सकता है कि डीएलएड पूरी तरीके से बंद होने की वजह से बीएड को अलाउ किया जाए, क्योंकि वो कानून में प्रावधान है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सिफारिशों के अंतर्गत ही हो सकता है, और उसके उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लागू भी नहीं होगा क्योंकि वो आरटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है, आरटी एक्ट के आधार पर ही वो शामिल हो रहा है जो कि कानून का उल्लंघन नहीं है। इस वजह से अगर सीबीएसई बोर्ड अगर कोई नोटिस जारी कर देती है अलाउ नहीं करने के लिए तब तो कोई समस्या मतलब कि एक तरीके से उलझन ही नहीं है, लेकिन इस प्रकार का नोटिस जारी नहीं करती और अगर आपको अलाउ करती है, आपको सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो आप शामिल जरूर हो लीजिएगा। भविष्य में कब क्या नियम बदल जाए किसी को कोई भी पता नहीं है, लेकिन आज के फैसले से ये स्पष्ट हो चुका है कि 2022 का जो सीटेट वाला था वो
वैलिड हो चुका है, पहले के सभी सीटेट यूपी टेट सभी राज्यों के जो बीएड अभ्यर्थी के प्राइमरी लेवल के जो टेट हैं वो सब कुछ इनवैलिड हो चुका है। लेकिन अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई अलाउ किया जाता है तो इस टेट के आधार पर उस भर्ती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। कहने का मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पर ये इनवैलिड है, लेकिन शिक्षक भर्ती में अगर अलाउ होते हैं तो उस पर ये वैलिड माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।